अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग मूवी पैडमैन की रिलीज से पहले ही अपनी अगली फिल्म केसरी का लुक रिवील कर दिया है। अक्षय बड़ी पगड़ी, घनी दाढ़ी मूछों वाले सिख के गेटअप में है। फिल्म केसरी 2019 में होली के मौके पर रिलीज की जाएगी, जो बैटल ऑफ सारा गढ़ी पर बेस्ड पीरियड फिल्म है। डिंपल कपाड़िया के भांजे करण कपाड़िया को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। डिंपल ने इसकी जिम्मेदारी अपने दामाद अक्षय कुमार को दी है और इसी फिल्म में अक्षय कुमार और सनी देओल कैमियो करते नजर आ सकते हैं। राजकुमार हिरानी डायरेक्टर संजय दत्त की बायोपिक की रिलीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। फिल्म 29 जून को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में संजय दत्त का किरदार रणबीर कपूर निभा रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि 5 जनवरी को अनुष्का शर्मा अपनी फिल्म परी का डिजिटल ट्रेलर रिलीज करेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह फिल्म पद्मावती की नई रिलीज डेट को माना जा रहा है, जो कभी भी अनाउंस की जा सकती है। हिंदी सिनेमा के ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर की 23 फिल्मों को भारत सरकार के नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा। NFAI ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के रील सुरक्षित करने के साथ ही उन्हें डिजिटाइज करने पर भी ध्यान दे रही है। ऐश्वर्या राय फिलहाल अपनी अगली फिल्म फन्नेखा की शूटिंग में बिजी हैं, पर खबरें ये भी हैं कि वो 60 के दशक की हिट फिल्म रात और दिन के रीमेक में नजर आ सकती हैं। इसमें वो नरगिस दत्त वाला किरदार प्ले करेंगी। फिलहाल ऐश्वर्या की फन्नेखा इस साल ईद पर रिलीज हो सकती है। बॉलीवुड में अपनी अलग ही पहचान बनाने वाली तापसी पन्नू ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो किसी को भी डेट नहीं कर रही और फिलहाल पूरी तरीके से अपनी अगली फिल्म सूरमा की तैयारी में जुट गई हैं। बॉलीवुड में फिल्म केदारनाथ से डेब्यू करने जा रही सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो नाइट सूट में नजर आ रही हैं और जोर से चिल्ला रही हैं। सारा का ये वीडियो उनके दोस्तों के साथ का है। अपनी बोल्ड और रिवीलिंग तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस डारिया प्रोटसेंको के फोटोशूट की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में डारिया एक तरह से न्यूड ही हैं। इससे पहले भी डारिया अपनी रिवीलिंग पिक्स को लेकर ट्रेंड करती रही हैं। पॉप स्टार लेडी गागा चाइल्डिश गाम्बिनो और लिटिल बिग टाउन ग्रैमी में परफॉर्म करेंगे। 28 जनवरी को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले 60वें एनुअल ग्रैमी अवार्ड में लेडी गागा बेस्ट पॉप वोकल एल्बम और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेटेड भी हैं।